स्विच खराब हो जाए या जाम हो जाए तो रिपेयर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से अपने घर में ही केवल 5 मिनट में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्विच को बदलना भी नहीं। दोस्तों, एनएस इलेक्ट्रिक के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह का जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, इसका अगर स्विच खराब हो जाए या जाम हो जाए तो इसे आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से अपने घर में ही केवल 5 मिनट में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पास माइक्रोटेक का एक इन्वर्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्विच अभी ऑन है, लेकिन ये हम इसको दबाते हैं तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है, ऑफ भी नहीं हो रहा है, ये फंस के अंदर बैठ चुका है। तो इसका एक आसान सा सोल्यूशन है, हम आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस ट्रिक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है। तो यहाँ पर इस साइड में इसका जो स्विच है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्विच बोर्ड है, ये वाला है इसका जो स्विच बोर्ड। तो यहाँ पर दो स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर एक और नीचे एक। इन दो स्क्रू को खोल लेंगे तो ये हमारा सर्किट जो है, स्विच का सर्किट जो है, बाहर आ जाता है। तो इसके ठीक अपोजिट पर देख सकते हैं ये स्विच। तो हम पहले इसे इन दोनों नट को खोल के इस सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसकी जो सर्किट जो है इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये अभी भी ऑन है। तो देख सकते हैं ये इसका जो स्विच है ये बैठ चुका है, वर्क नहीं कर रहा है। कभी वर्क करता है तो कभी नहीं करता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंपल से बस इसकी जो स्विच है यहाँ पर देख सकते हैं ये फंस चुका है। मैं अभी उठाता हूँ तो ये बंद हो चुका है। तो इसको दबा देता हो तो देख सकते हैं लाइट जल रहा है, चालू हो रहा है, लेकिन ये फिर से मारने पर बिल्कुल ऑन उठ नहीं रहा। तो इसको हम इस तरह उठाएंगे तो ये उठ रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्विच को बदलना भी नहीं है। बस आपको इस स्विच के अंदर ऑयल डाल देना है। आप किसी की भी तरह के ऑयल डाल सकते हैं, कार इंजन ऑयल डाल सकते हैं, या फिर बालों में लगाने वाला कोई भी ऑयल डाल सकता है। उसके बाद ये आपकी स्विच जो है जो फ्री हो जाएगा, ये आराम से आपको काम करने लग जाएगा। तो यहाँ इसको हम अभी बालों में लगाने वाला सरसों का तेल देंगे, उसके बाद सरसों का नहीं कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नारियल ऑयल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस स्विच के अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। तो आपकी ऑयल आप जितना चाहे डाल सकते हैं, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल से आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऑयल अच्छी तरह से देना है ताकि इसके अंदर घुस सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस ऑयल को हम देते ही ये हमारा स्विच किस तरह से वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं। हमने दबा दिया और फिर से उठ गया, तो देख सकते हैं ऑन हो गया, ये देखो ऑफ हो गया। तो देख सकते हैं कितना सिंपल था, इसको हमने कितनी आसानी से रिपेयर कर दिया है। तो अब भी इस तरह का अब अगर इन्वर्टर का स्विच जाम हो गया है या वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह की ऑयल डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बालों में लगाने वाला ऑयल हो या कार इंजन ऑयल हो, अब किसी भी प्रकार के ऑयल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं तो किस तरह से ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो देख सकते हो ऑन हो चुका है, हम फिर से दबाएंगे तो ये ऑफ हो चुका है। तो बड़े ही आसानी से इसको हमने रिपेयर कर दिया है, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताया है किस तरह से इस स्विच को आपको रिपेयर करना है। बस इसको आपको बदलना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। बस आपको बालों में लगाने वाला कोई भी ऑयल यूज़ करना है, या कार इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस रिपेयर एंड ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।